नहीं मतलब रिव्यू तो चलता रहेगा, पहले एक बार प्यार से गाड़ी को देख तो लें। तो मैं आराम से सो सकता हूँ यार, या पीछे किचन बना देंगे, स्क्रीन पे सब वेब सीरीज देख लूंगा, पीछे बूट में वॉशरूम, क्या करूं, घर बेच के ले लूं क्या? ये पैसा तेरा बाप देगा। नहीं हमको भी तो सुनना है ना कभी कि लैम्बोर्गिनी चलाई जान दे हो, सानू भी जूटा दे दो, कितने कल्ले कल्ले जाई जान दे हो। बट टिल फरारी कम्स अप विद वन, आई गिव टू यू द फास्टेस्ट प्रोडक्शन एसयूवी इन द वर्ल्ड, द लैम्बोर्गिनी उरुस। यार ये एक ऐसी गाड़ी जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर इसके साथ खड़ा होकर बड़ा अमेजिंग फील होता है, इसके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, इट्स अ बॉयज बेडरूम पोस्टर, इट फील्स गुड। सबकी एक तमन्ना होती है ऐसी गाड़ी लेना, इट इज रिच, इट इज बैडास, इट्स सेक्सी। मैं इस गाड़ी का पूरा इनवॉइस देख रहा हूँ, इसका कोई 20-21 लाख रुपये का तो सिर्फ आरटीओ के चार्जेस हैं, 8 लाख रुपये का इसका इंश्योरेंस है, इतनी की तो हम गाड़ी नहीं लेते हैं। अब आप बोलोगे कपूर तू यार पैसा तेरा बाप देगा, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, बजट बाइंग, पैसा कैसे बचाओ, तू ये गाड़ी का रिव्यू क्यों कर रहा है? वो इसीलिए क्योंकि जब ये गाड़ी प्री ओन्ड होती है यानी सेकेंड हैंड बिकती है तो बहुत समझ में आने लगती है। नहीं मैंने कुछ फरारी ओनर्स को देखा है जो गाड़ियों में ना दो रैम्प्स रखते हैं, जब कोई स्पीड ब्रेकर आता है ना तो रैम्स को आगे रखते हैं, फिर गाड़ी उस पर चलाते हैं, फिर उतरते हैं, फिर रैम्स को गाड़ी में रखते हैं, फिर आगे जाते हैं। भाई हमारे रोड्स ही कुछ ऐसे हैं। दिस कार सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम, दिस इज द पार्टी पीस, 248 mm का ये ग्राउंड क्लियरेंस, दिस इज बेसिकली बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपको एक सुपर कार भी मिल रही है और आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रहा है। इट इज द परफेक्ट थिंग, इट इज लाइक अ चॉकलेट केक दैट डज नॉट मेक यू फैट, इट इज लाइक अ रणवीर सिंह दैट वेयर सेंसिबल क्लोथ्स, इट इज अ रणबीर कपूर दैट इज लॉयल टू इट्स गर्लफ्रेंड्स, आई लाइक इट। अब ये भी प्लेन से कम नहीं है, दिस इज एन एयरप्लेन मिनी। ऑडी पोर्शास में भी ये V8 इंजन आता है, पर इसमें ये सबसे ज़्यादा पावर बनाता है, 650 horsepower, 850 Nm टॉर्क। मेरी गाड़ी मुझे इतना पावरफुल लगती है जिसमें कोई 320 Nm टॉर्क है, सोचिए ये चलेगी नहीं, ये उड़ेगी, पर रूल्स नहीं तोड़ना भाई। दिस इज द फर्स्ट लैम्बोर्गिनी विद अ बूट, 616 liter का बूट है इसमें, आप क्लियरली देख सकते हैं, इन आँखों की मस्ती में रेखा ने यही पोज दिया था वो मैंने दिया है, और अगर ये सीट्स नीचे हो जाए, 1600 liter का बूट इन अ लैम्बोर्गिनी, इज दैट इवन रियल? लैम्बोर्गिनी पड लाइट्स, अल्कांटारा वाले डोर्स, 22 speaker सिस्टम बैंग एंड ऑलिफसन, क्योंकि क्या हमारे पंजाबी लड़कियों गेड़िया मारते वक्त जरा लॉर्ड लॉर्ड म्यूजिक भी तो सुनना होता है। एंड द बेस्ट पार्ट, फ्रेमलेस डोर्स विच आर सॉफ्ट क्लोज। पूछिए क्यों लैम्बोर्गिनी खरीदे ना, हम दरवाजा बंद क्यों करेंगे, गाड़ी करेगी? नहीं मतलब पूरी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा शार्प कट्स, लाइंस, क्रीजेस, एजेस हैं, ये गाड़ी को बहुत ही एक सेक्सी मस्कुलर डायमंड लाइक फिनिश देते हैं। लैम्बोर्गिनी की ये टिपिकल वाई शेप की सारी जो है डिजाइनिंग होती है। इसका एडिशनल एडवांटेज ये है, सर्दी के मौसम में आपके घर पे अगर कोई मेहमान आए तो इस पे गाजर घस के आप हलवा भी बना सकते हैं। भाई मुझसे कोई दुनिया में मोटी चीज़ है तो वो इसके टायर्स हैं, 22 inch के इस पे स्टॉक टायर्स आते हैं, 23 inches इस गाड़ी पे लगे हुए हैं, और अब लैम्बोर्गिनी 24 inch के टायर्स भी निकाल रहे हैं। 24 inch एक टायर कितने का होगा मुझे कमेंट में बताना आप। इट हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेक्स, किसी प्रोडक्शन कार पे इतने बड़े ब्रेक्स ही नहीं लगे, ये ब्रेक की प्लेट ही इतनी बड़ी होती है, उतने बड़े तो कितनी गाड़ियों के टायर्स नहीं होते हैं। एंड दोस येलो कैलिपर्स, नज़र उतरवा लेनी चाहिए ऐसे 100 रुपये के नोट से। 4 exhaust टेल पाइप्स, क्योंकि दिल्ली के लड़कों को गाड़ी चाहिए तो मेरे भाई थोड़ी छाती भी तो चोरी करनी है। जो हमारी सौभाग्यवती उरुस ने ये बिंदी लगाई हुई है, ये बिंदी नहीं, ये बहुत बड़ा सेंसर है जो ADAS में हेल्प करता है, आपने वो सुना होगा ना, वो कोलिजन, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग, ये सब, तो कोई सडनली आपके सामने आ जाए इंट्रूडर तो अचानक आपको अलर्ट करके गाड़ी को ब्रेकिंग देती है, आपकी लेन में गाड़ी को रखने को असिस्ट करती है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल करती है, वो सब इससे होता है।
ये इटालियन गाड़ी है लेकिन इस पर लिखा जो है लैटिन में, ये इसके अलग अलग ड्राइविंग मोड्स है। चलिए आपको थोड़ी सी लैटिन सिखाती है। स्ट्राडा जो है स्ट्रीट होता है, अगर आप इसे शिफ्ट कर दें स्पोर्ट में लाएं तो ऑब्वियसली दैट इज स्पोर्ट। कोर्सा यानी कि ट्रैक मोड, जब आप ट्रैक पे हैं, जो यहाँ नहीं होता है बट यूरोप में बहुत होता है, वहाँ पर आप इस मोड पे चला सकते हैं क्योंकि ट्रैक के लिए आपकी ट्रैक्शन वैसी हो जाती है। साबिया ये तो मुझे गूगल करना पड़ा, ये सैंड होता है। टेरा इज लैंड जहाँ पर ऑफ रोडिंग मैक्सिमम आपको ग्रिप वगैरह मिल रही है। नीव इज स्नो, स्नो पे भी लैम्बोर्गिनी चल सकती है, वाओ। एंड वन मोर थिंग, स्ट्रेट आउट ऑफ टॉप गन, ये गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप जो बटन है पुश बटन कम्स फ्रॉम अ जेट फाइटर प्लेन। टॉम क्रूज ने खुद आशीर्वाद दिया ये करते वक्त। नहीं, अगर मेरे पास लैम्बोर्गिनी उरुस के पैसे हैं और मैं बहुत सामान लेके आ रहा हूँ तो मैं यार ऐसे पूरा उठा के नहीं रखूँगा ना, गाड़ी मेरे लिए नीचे होगी। इसमें जो है एक्टिव सस्पेंशन है जो आपकी गाड़ी की हाइट को नीचे कर देता है, और अगर आपको बाद में उसे ऊपर करना हो तो उसे ऊपर कर देता है। फैंसी, कभी किसी ने सोचा था एक लैम्बोर्गिनी में 4-5 लोग बैठ के जाएंगे? मतलब मैं कितना कंफर्टेबल हूँ, मैं 6 फीट 1 इंच का हूँ और यहाँ पे मेरे पास हेडरूम है स्पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद भी। चेक दिस आउट। बस भगवान से इतनी प्रार्थना कीजिए कि तभी कोई ऊपर कबूतर या कौवा नहीं हो जिसने मतलब एक दिन एक रात पहले पनीर टिक्का वगैरह कुछ खाया हो। बस लाइक एनी अदर नॉर्मल ऑटोमेटिक कार, यस इट्स अ बिट रिस्पॉन्सिव, इट्स अ लैम्बोर्गिनी, थैंक यू सो मच। प्री सीट के प्री टेंशनर से मुझे अभी जकड़ा है क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने थोड़ी सी गाड़ी को एक्सेलरेट किया। द कार इज एक्चुअली लैम्बोर्गिनी कंफर्टेबल कैसे हो सकती है यार, इनके इंजीनियर्स के मुंडन में आके नाचूंगा मैं, इतना अच्छा काम किया है इन्होंने। लुक एट दैट, इट्स अ वेरी एजाइल, वेरी वेरी शार्प स्टीयरिंग, ब्रेकिंग इज क्वाइट प्रेडिक्टेबल, ऑफ कोर्स इट्स गॉट द बिगेस्ट ब्रेक्स इन अ प्रोडक्शन कार। स्टार्ट में हल्का सा लैग है ऑफ कोर्स क्योंकि हम स्ट्रीट मोड में हैं। देखिए क्या होता है कि इतनी महंगी गाड़ी लेके आपके पास स्नो मोड भी है तो भी आप कहीं से स्नो में आप इसको लेके चला नहीं वाले हो, कोई डेजर्ट में लाके लेके जाके इसको सैंड ड्यून्स पे लेके नहीं जाने वाले। हाँ वो मोड आपके पास है कि कहीं अगर आप अटक जाओ तो वो आप यूज कर सकते हो, बट वेल है तो है। लेट्स सी द टर्निंग रेडियस, अच्छा लार्ज कार, 5 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। लग रहा है पीछे आंखें दे रखी है लैम्बोर्गिनी ने। इसके सारे एसी कंट्रोल्स, टच कंट्रोल्स सारे के सारे जो है थोड़े से टच सेंसिटिव टच स्क्रीन पे हैं, कुछ हैप्टिक फीडबैक वाले भी हैं। एसी इसका ऐसा चिल कर रहा है मुझे मुंबई की गर्मी पता नहीं चल रही। बाय द वे फन फैक्ट, मुंबई में दो ही सीजन है, एक गर्मी दूसरा बहुत गर्मी, आज वो बहुत गर्मी वाला दिन है। यू नो व्हाट, दिस कार इज वेरी सेंसिबल बट दिस इट्स नॉट अ लैम्बोर्गिनी इफ इट डजंट ट्राई टू किल यू, सो आई एम जस्ट गोना शिफ्ट इट इन स्पोर्ट एंड सी व्हाट इट डज। It is trying to kill me. I love you, my mother. Street पे चलाना ही ठीक है। ये हम track mode में हैं। अब हम sand mode में हैं। अब हम terrain mode में हैं। अब हम snow mode में हैं। और हम वापस street mode में हैं। Okay, boss. This car has all the bells and whistles. ये आपको बता देती है कि एक supercar क्या होती है। And just imagine, I'm going over speed bumps without even thinking about it. मेरी खुद की गाड़ी टच होती है। Like I was telling you, पीछे के passengers भी काफी comfortable होते हैं because the suspension is tuned quite nicely. The speed is there, but it doesn't try to scare you in the street mode. So that I like. Paddle shifters बहुत प्यारे हैं। कोई भी अच्छी गाड़ी की निशानी होती है कि paddle shifters नीचे की तरफ भी होते हैं और ऊपर की तरफ भी। एक flat ये नहीं होता है। और इसकी MID बहुत ही ज़्यादा detailed है। आप इस गाड़ी को कई सारे कलर्स में कस्टमाइज कर सकते हैं। आई एम श्योर यू नो वन ऑफ द वेरी वेरी रिच गर्ल्स लाइक समवन लाइक पेरिस हिल्टन विल गो फॉर अ पिंक वन वेरी सून। पेरिस, वी डू रिव्यूज कलर्स। इस गाड़ी में है 4-व्हील स्टीयरिंग यानी कि जो रेयर टायर्स होते हैं जब आप स्लो स्पीड पे होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 डिग्री से टर्न करते हैं। क्यों? ताकि आप गाड़ी को आसानी से मोड़ सकें या पार्क कर सकें। जब आप हाई स्पीड में चला रहे होते हैं तो जो फ्रंट व्हील के टायर जिस डायरेक्शन में होते हैं वो उसी डायरेक्शन में टर्न करते हैं ताकि आप कॉर्नरिंग ज़्यादा स्टेबल कर सकें। इसमें स्लिप डिफरेंशियल्स ऐसे हो सकते हैं कि आप चाहें तो इस गाड़ी को ड्रिफ्ट कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगा क्योंकि अगर इसका टायर फ्लैट स्पॉट हो गया तो पूरी पगार से भी नहीं आएगा। ऋषि कपूर, दिस बीन अ वेरी वेरी फन एक्सपीरियंस, दिस इज अ गुड कार। और यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं अंशुल फ्रॉम द टीम ऑफ विश व्हील्स इंडिया। अंशुल जो है उन्होंने मुझे बोला कि यार वी हैव अ लैम्बोर्गिनी उरुस प्री ओन्ड और ये बहुत कम चली हुई है, 10,000 से कम चली हुई है।
मुझे बताइए इसकी अभी प्राइस, आस्किंग प्राइस क्या है, पहले तो मार्केट प्राइस क्या है और आप कितना मांग रहे हैं इसके? सो बेसिकली दिस द इनवॉइस ऑफ द कार इज 4 crore 35 lakhs. Oh my god. And plus he has done, the owner, initial owner has done like PPF and other things on the car. PPF तो मैंने भी लिया हुआ, लेकिन उससे गाड़ी नहीं आती. नहीं, पर PPF ही itself is very expensive. Correct. It's a self-healing PPF. It costs around 2.5-3 lakhs. Oh my god. Yeah. So roundabout गाड़ी का price है around 435-440 CR on road. Okay. And right now we are selling this car for, we are quoting a price of 395 for the car. It's not even a year old car. It's a 2021 manufacture. मैं पहले इसमें सोच रहा था, इसमें ना सोने की कोशिश करूँ कि किचन यहाँ बना दूंगा, वॉशरूम के लिए बूट में चला जाऊंगा, घर बेच के ले लूँ. पर घर बेच के तो होगी नहीं, दो चार लोगों से घर बेचवाना पड़ेगा और शेयरिंग बेसिस पे लेनी पड़ेगी. पर मुझे बताइए कि ओनर जो है अभी कितना नुकसान कर रहा है वो, अगर हम कैलकुलेट करें? Roughly around 40-50 lakhs. 40-50 lakhs. Yes. 40-50 lakhs की अच्छी खासी लग्जरी कार आ जाती है. वो इतने नुकसान में हार्डली चलाए बिना क्यों बेचेंगे? There are some internal issues that he faced, and Achha. also, if you see, that's why the pre-owned market is much better. Achha. The depreciation in the first 3 years is quite a lot. Achha. When you buy a new car, Jee. So you always have to account for the depreciation. Jee. So it's much much better to get a pre-owned car. Wish Wheels India, ठीक है, you guys have a great team, you guys have a great lineup of cars. मुझे कैसे पता चलेगा कि इस गाड़ी में कोई major issue नहीं है, कोई इसमें parts में तकलीफ नहीं है, कोई electronic glitch नहीं है? Absolutely, that is the major concern which people have. जी. And we ensure that we do all quality checks before purchasing any car. We also run it by the RTO जी. to make sure that it's not an accidental car, there's no case running on the car. जी. Also we do our checks in terms of the entire thing. Like the brakes are all right, the suspension is all right. Also we have a tie up with all these companies where we give them the chassis number and we ask for an entire service record. So basically we make sure that the car has been serviced only in the company, and also it has been maintained by the company itself, because you know, one, their report cannot be forged, or you know, there cannot be manipulation in their reports. Correct. So we make sure that we buy the best cars and we give the best service to our clients. Luxury second hand ke market mein bhi bahut sare players hain, main Wish Wheels India ke paas hi kyun aaun? See, first of all, we are a group of young entrepreneurs. Okay. And we are car enthusiasts. We love such cars. Woohoo! And we make sure that if we are giving some product to someone else, it has to be the best quality. The quality, as I have already mentioned, that you know, we do quite some quality checks, background checks, accidental checks, and all of this before we procure a car. So you know, it is a very safe buy, that you, if you're buying a car from us, it's absolutely safe. Be rest assured that you'll be getting the best car. आपको सबसे बढ़िया से बढ़िया ही कार मिलेगी. And आपको कितने अच्छे हो आप, कियारा अडवाणी हो क्या? हमारे मराठी में कहते हैं कि शौकेला मोल नस्तो, हौसेला मोल नस्तो, कि बस पसंद आ गया तो चाहिए और अभी के अभी चाहिए. दैट्स द प्रॉब्लम इन अ सेगमेंट लाइक दिस. जब आप ये गाड़ी बनाते हैं, ये कस्टमाइज्ड होती है आपके लिए, कलर्स, यू नो, आपको कैसी थीम चाहिए वगैरह. ऐसी गाड़ी बनती है ऑर्डर से, फिर इम्पोर्ट होती है, तो उस पर 18-18 महीने की वेटिंग होती है. प्लस जब आप ये प्री ओन्ड लेते हैं, आपको कोई देख के ये तो नहीं बोलेगा कि यार फर्स्ट हैंड है सेकंड हैंड है, वहाँ ये बोलेगा कि गाड़ी बहुत बढ़िया. और उसमें आपके कोई 50 लाख रुपये बच जाएंगे, तो इससे अच्छी डील ही नहीं हो सकती. अगर आप ऐसी कोई गाड़ी लेने वाले हैं, मुझे राउंड जरूर देना, हम आपकी गाड़ी भी रिव्यू करेंगे. पैसा तेरा बाप देगा पे हम कई सारे गैजेट्स के रिव्यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन्स हो गए, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, हेडफोन्स. कोई आपके पास गाड़ी है, कौन से यू नो फीचर्स हैं, कौन सा वर्जन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, खरीदने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पैसे कैसे बचा सकते हैं, अगर आपके पास भी कोई रिव्यू करने लायक प्रोडक्ट हो तो ज़रूर हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, वो मोज और जोश ऐप पे भी हम हैं, यूट्यूब पर हम हैं प्राइमरीली, तो ज़रूर से हमें कमेंट करें या DM करें. एंड वील बी देयर विद यू विद अ लॉट ऑफ लाइक्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल. हम तो खाना भी नहीं मांगते, हम कितने अच्छे लोग हैं. Your mobile phone is still in the vehicle. She just reminded me that my phone is charging here. कितनी अच्छी हो तुम, कुंडलियां मिला ले, शादी कर ले. उरुस, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, तुम्हें पता नहीं है. बहुत प्यार करूँगा तुम्हें, सुखी रखूँगा.